50 फीट चौड़ाई को ऊंचाई है बाहर बचाने का है। तो आप कौन कैसा आइडिया रहा, हल्का में समझ ले रहे हैं आपको उसको बोला जैसे लमराने लग रहे हैं। इस बाहर पर मैं चढ़ जाऊंगा, यह हल्का है, हल्का नहीं है। जो चाहता है, जो जो सफर करता है ना उस पर उसी का बुझाता है, आपका नहीं बुझाएगा। आपको अलग से देखेगा, हाँ मैं इस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, मगर उस पहाड़ आपको लिए बहुत भीड़ा है। ये है, आपको दौड़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं किया है, तो आपको मुमकिन हो जाएगा। उसी आपको दरार बीच में पड़ जाएगा, आपको आधे पर जाते जाते में आप थक जाओगे, आप नीचा वाले पैन को चलाएगा। आप पहाड़ पर सोचने के लिए स्टेयरिंग देना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, कस के एक्सरसाइज भी करना पड़ेगा आपको लिए। उसको बारे में आपको जानना पड़ेगा, तो आप जाकर एक पहाड़ पर आप चढ़ जाएगा, तब जाकर आप एक पहाड़ पर चढ़ जाएगा, ठीक है। कैसा, मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं भी सोचता था मैं इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए। सोचने से नहीं होता है दोस्तों, सोच नहीं पुगता है। आप सोचते हो मैं इस चीज़ कर लूँगा, वो चीज़ कर लूँगा, मगर वो चीज़ करने जाते हैं ना तो आपको अलछी लग जाता है। आप उस काम से इतना दूरी चल जाते हो, इतना दूरी बन जाते हो, उस काम से चला जाते हो, कोई ना कोई आपको काम आपको बीच में आई आप लंग रेगुलर खड़ा रहने करेगा, तो इसी के लिए आप नहीं कर पाएगा। अगर भी आप सोच रहे हैं आज कहेगा कल मैं करूँगा, उस काम को कभी भी नहीं कर सकेगा। आज से आज करिए काम, आपको पहाड़ पचारना है तो आज से आज ही से उसको शुरू कर दीजिए। आपको उसी पर आपको सफ़र करना है। आप शायद आपको पहाड़ पर चढ़ने से कुछ भी नहीं मिलेगा, मगर उस पहाड़ पर चढ़ जाएगा ना तो जीवन लाइफ आपको बदल जाएगी। आप कितना 500 फीट पहाड़ पर क्यों नहीं चढ़ना पड़ता, 500 किलोमीटर पर पहाड़ है उतना बड़ा, उस पर क्यों नहीं चढ़ना पड़े। मगर आप हार नहीं मानिएगा, कभी भी नहीं हारना आती है। नहीं कहता हूँ मैं नहीं आता है, मगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है आपको। कुछ गोड़े का प्रॉब्लम आ गया है, घुटने का प्रॉब्लम आ गया है, आपको स्टेयरिंग देना रहता है। उसमें आपको जाने के लिए ना आपको पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, उस चीज़ का पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा। जैसा आपको जो मन कर रहा है उसी बात करिए। देखो ये धागा है, इसको सुई में लगाना पड़ेगा, तब देख के लगाना पड़ेगा ना इसको। इसको देख कर लगाएगा तो उसमें जाएगा मेन जगह पर, अगर भी नहीं देख कर लगाएगा तो लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा इसी। लेकिन हम लोगों को नसीब है सुआ जैसा, हम लोगों को दिमाग ऐसा है से दिन भर चलते रहता है। आप कुछ ना कुछ बारे में सोचता ही होगा, मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मगर आप नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको बीच में बंधन पड़ जाता है, आपको कोई ना कोई काम आपको बारे में आ ही जाता है, शिकायत चाहे कुछ भी हो वगैरह वगैरह आपको आ ही जाता है। किस लिए आता है तो इसी आपको नहीं समझ में आता है से क्यों आया मेरे साथ में, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में, से हम नहीं कर रहा है, मैं नहीं कर सकता हूँ इस काम, किस लिए नहीं कर सकता हूँ, तो इसी आपको समझने में आप देरी कर देते हैं। शायद आप आज ही से आप सुधार जाने का कोशिश करो, क्योंकि आपको करना है तो आपको करना है, लोग को नहीं करना है भाई। लोग के तो काम है हंसने का, लोग के काम है मजाक उड़ा करो, मजाक उड़ाने का काम है, आपको काम करना है। आपको सिर्फ आपको ये सोचना पड़ेगा मैं इस काम में कैसा करना चाहिए, कैसा नॉलेज लेना चाहिए, कैसा नॉलेज आएगा, नॉलेज के पीछा दौड़ना पड़ेगा आपको, कैसा करना पड़ेगा। तो उसको आप जो भी काम में है, आप एजुकेशन कर रहा है तो वही करिए ना, उसी में आपको इंटरेस्ट है वही करिए। उससे बाहिक आप काम करने लग चाहते हैं, आप एजुकेशन करने लग चाहते हैं, आप बाहिक काम भी करने लग चाहते हैं, करने के लिए आपको दिमाग दे रहे हैं चलो इस काम में नहीं होगा दूसरा काम करके देखता हूँ। तो आप करिए दोनों काम करिए, मगर आपको एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़रूरी है, वो भी काम आपको ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है तो आपको जब तक ले पैसा नहीं रहेगा, जब तक ले कोई नहीं चिन्हवाई रहेगा, आपको घर कमज़ोर है तो आपको कमाना है, इसी बात ला ठीक है। आप एजुकेशन कर रहे हैं वो उस भी बहुत अच्छा है, अगर भी आप बाहर एजुकेशन भी कर रहे हैं, बाहर भी कमा रहा है वो भी अच्छा है, बाहर भी नौकरी कर रहा है तो वो भी अच्छा है। क्योंकि तो आपको टाइम तो नहीं काट गया ना, आपको तो टाइम आप एजुकेशन करके आया, आपको उधर में चला गया तो 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा लागू चाहिए, आपको कितना भी टाइम लगो, आप एजुकेशन में आपको कितना टाइम दे रहे हैं वो तो आप पर पड़ रहा है ना, आपको कैसा करना है। तो दोस्तों मैं से देखो हौसला रखेगा ना तो कुछ भी कर सकते हो, हौसला नहीं है आपको अंदर ना तो कुछ
चीज़ ऐसा हो जाता है, आपको छोटा छोटा चीज़ आपको बड़ा हो जाएगा। अगर भी आप अंत से कर रहे हैं, अगर भी आप छोटा छोटा काम कर रहा है, छोटा छोटा काम को नहीं समझ रहा है, अगर भी उस काम को नहीं ट्रिक नहीं लगा रहा है, उस ट्रिक आपको नहीं समझ रहा है, पहले शुरू आपको छोटा छोटा सामान समझना पड़ेगा, तो जाके आप धीरे धीरे एक बड़ा यूट्यूबर बन पाएगा। अगर भी छोटा छोटा काम किसी भी काम को, एक यूट्यूबर नहीं है, किसी भी कोनो भी काम को नॉलेज होना चाहिए, क्यों नहीं, मगर पहले शुरू शुरू बाद में आपको छोटा छोटा काम समझना पड़ेगा। ये छोटा छोटा काम से आप धीरे 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 करके उसको बढ़ाना पड़ेगा। कैसा बढ़ाना पड़ेगा, कैसी कैसा ये करना पड़ेगा, क्यों ऐसा करना चाहिए नहीं चाहिए, कि इसको इससे घाटा होने वाला है, कि इससे नहीं फायदा आपको काम करना है। इसीलिए मैं कहता हूँ, क्यों के लिए मैं कहता हूँ, तो आप प्रैक्टिस करो कोई भी कुछ भी काम में। डायरेक्टर एक डायरेक्टर नहीं हो जाता है, डायरेक्टर एक डायरेक्टर नहीं हो जाता है, कोई हीरो डायरेक्टर नहीं हो जाता है, वही से फायदा है ना आपको। तो आप लोगों को खाली देखने का है, देखने में मजा आना चाहिए, इसीलिए ना आपको फिल्म देखते हैं, आप कॉमेडी देखते हैं, आपको गेमिंग चैनल देखते हैं, गेमिंग वीडियो देखते हैं, आप एजुकेशन देखते हैं तो उसमें सीखने के लिए देखते हैं ना। अगर भी आपको फिल्म आप अपना मन से सीखने के लिए कोई भाषा नहीं आ रहे हो तो आपको फिल्म में आपको मिल जाता है। अगर भी आप सीखने का पूरा ख्वाहिश है भी अंदर से, आपको सीखने का पूरा उस पर टाइम दे रहे हो, आप अगर भी उसको आप नहीं टेल रहे हैं, आपको लाभ से नहीं टेल रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, तो आपको एजुकेशन मिल सकता है। क्योंकि देखो आप सीखने के लिए नहीं जाता है, आप रोमांटिक से लिए जाता है, मोटिवेट होने के लिए नहीं जाता, रोमांटिक से लिए जाता है, क्योंकि लिए उससे मज़ा मिलता है आपको, उससे इंटरेस्ट मिलता है आपको, कोई कुछ कुछ काम करने के लिए भी उससे मिलता है। अगर भी कुछ कामों को लिए जाएगा तो आपको काम मिलेगा, अगर भी कुछ कामों को काम के लिए नहीं जाएगा तो कोई काम नहीं मिलेगा। तो आपको करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए मगर हार कभी भी नहीं मानना, आप पहाड़ पर चढ़ के रहेगा, आपको ख्वाहिश रहेगा ना, आपको अंदर से कहेगा मैं इस पहाड़ पर चढ़ जाऊँगा। बार बार आता है उस पहाड़ को देखता है ऊपर भरे नज़र उठाकर, से इस पहाड़ को मैं एक दिन मैं चढ़ के दिखाने वाला हूँ लोग के, मैं चढ़ जाऊँगा। प्रैक्टिस करते रहो, आप एक दिन आप उस पहाड़ पर चढ़ जाएगा, उस बर महल जाए, वो उन्हें बर महल जाए जिन्हें को चढ़ने के था, उसने बर महल जाए उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए, क्यों के लिए था, उसको उस पर चढ़ने के था, उसको नाम बनाना था, वैल्यू बनाना था, मैं इस दुनिया में वैल्यू बना कर मैं जाना है। अगर उस पहाड़ पर चढ़ गए, उस पहाड़ पर सोचा उस चढ़ गया, अगर चेत को सोचता रह जाता मैं इस पहाड़ पर एक दिन मैं चढ़ूँगा तो चढ़ूँगा, चढ़ने वाला हूँ तो नहीं चढ़ पाता, क्यों के लिए, तो इसी के वजह से वो नहीं चढ़ पाता, उसको कमज़ोर हो जाता है, वो देखते माते में बोलता है नहीं ये काम मेरे के काम मेरे से नहीं होगा। अगर वो कर दिए तो वो देखो वो चढ़ गया कि नहीं। तो आप लोग जैसे पहाड़ जैसे हो, पहाड़ को टूट कर के आपको इस काम में से भागना पड़ेगा। कोई काम है, अगर भी जड़ी से कोई काम बन रहा है तो पहले नीचा पिलर देकर बरियार बनाया जाता है, पहले नीचा पिलर देकर पूरा धसा कर उसको बरियार बनाना पड़ता है, तब जाकर एक मजबूत एक बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग निकलता है बारह चार, ठीक है, बारह एक बिल्डिंग बनता है, बारह से बारह एक बिल्डिंग भी बनता है, ठीक है। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, बहुत हो गया।